What's up guys, good morning everyone. I am Sudhir. So today we are discussing start current affairs. Welcome to study mission by Sudhir. I hope to love well. So आज के करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग, और आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के करंट अफेयर्स से। तो आइए सबसे पहले एक मोटिवेट कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं लेक्चर को। सारी शक्तियाँ आपके अंदर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। तो जो ये बोला जाता है कि जो सारी शक्तियाँ हैं, जो सारा पावर्स है आपके अंदर है, आप उसको जगाने की कोशिश करिए और अपने आगे लाने की कोशिश करिए, इम्प्लीमेंट करिए लाइफ के ऊपर, तो आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जो बाधाएं होती हैं, जो बाधाएं जिसको बोला जाता है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठान कर चलिए और ये मान कर चलिए। आइए चलते हैं लेक्चर में और देखिए आज का क्वेश्चन है। फर्स्ट, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू फेस स्कैन। अभी कौन सी कंट्री है जो पहली बार बनी है फेस स्कैन करने वाली कंट्री? तो सिंगापुर जो है ये पहली कंट्री बन गई है जो फेस स्कैन करेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु हैज अनाउंस्ड द इंश्योरेंस ऑफ 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स। अभी कौन अनाउंस किया है जो कि इंश्योरेंस करेगा 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स के लिए? तो पेटीएम अनाउंस किया है कि 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड को वो इंश्योरेंस करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट फेस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी स्टार्टेड। अभी कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि फर्स्ट फेस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एडवांस खोल रहा है, स्टार्ट कर रहा है? तो केरला स्टेट में ये स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाय डिजास्टर। अभी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अभी यूनाइटेड स्टेट जो किया है वो बोल रहा है कौन सा कंट्री है जो कि मोस्ट अफेक्टेड दिखाई दे रहा है डिजास्टर के लिए। तो चाइना है वो मोस्ट अफेक्टेड है डिजास्टर में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इंडिया हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स फ्रॉम विच कंट्री। तो अभी जो इंडिया है ये किसके साथ बंद किया है जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट की चीज़ें अभी बैन किया है, एयर कंडीशनर भी बंद कर दिया है। तो किस कंट्री के साथ? तो चाइना के साथ आप लोग जान रहे हैं कितना झड़प चल रहा था, तो उसके लिए ये बंद किया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द 8th एडिशन ऑफ द मैरी टाइम एक्सरसाइज सीनेक्स हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभी 8वें नंबर का जो एडिशन है ये मिलिट्री के बेसिस पे एक्सरसाइज होती है जो कि सिलिक्स एक्सरसाइज को बोलते हैं इसको। तो ये इंडिया और किस कंट्री के साथ हो रहा है? तो इंडिया और श्रीलंका के साथ हो रहा है ये। जी हाँ, इंडिया और श्रीलंका के साथ ये भी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच बैंक हैज फाइंड एज 4.50 करोड़ ऑन RBI। तो RBI जो है ये 4.50 करोड़ रुपए का ये किस बैंक पे ये बैन लगाया है, ये फाइन लगाया है? तो इंडसइंड बैंक पे ये अभी फाइन लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर एट है, हु हैज वन द ओमेन सिग्नल्स टाइटल एट द डेनमार्क ओपन 2020। अभी कौन है जो जीती है ओमेन सिंगल्स टाइटल, जीती है ये डेनमार्क ओपन 2020 का? तो नुमानी और खुर्रा है जो कि ये जीती हैं अवार्ड। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच स्टेट्स फेमस वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष हैज पासड अवे। तभी कौन है स्टेट्स फेमस वोकल आर्टिस्ट हैं ये जो कि प्रदीप घोष ये अभी पास अवे हो गए हैं, यानी कि इनकी डेथ हो गई है, तो वेस्ट बंगाल के थे ये। क्वेश्चन नंबर टेन है, हु हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल बी
ट्रांस फैट फ्री फाइव 2022 तभी कौन है जो अनाउंस किए हैं जो इंडिया ट्रांस फैट फ्री करेगा 2022 तक, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये अनाउंस किए हैं। आई होप का आप लोगों का लेक्चर समझ में आया होगा और आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी जुड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से लेक्चर, तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। PDF पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर PDF नोटिफिकेशन के साथ मिलती हैं, हर एक नोटिफिकेशन अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।